हाय फ्रेंड्स, हैप्पी होली। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की मशहूर प्याज की कचौड़ियाँ। जैसे कि होली पे फेवरेट ड्रिंक होती है ठंडाई और मीठे में होता है गुजिया, वैसे ही नमकीन में आज हम बनाने जा रहे हैं कचौड़ी। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले हम बनाएंगे कचौड़ी का मसाला। मसाले के लिए हमने लिया है अनियन, पटेटो बॉइल करके कद्दूकस कर लिया था, बेसन इसे हमने भून लिया है, अदरक मिर्ची। ये जो मसाला है ये है कॉम्बिनेशन सौंफ जीरा और साबुत धनिए का, इसे हमने रोस्ट करके दरदरा पीस लिया है। इसी के साथ हमने लिया है नमक, हींग, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च। अब हम लेंगे एक पैन, पैन में हम डालेंगे ऑयल, इसमें जाएगा ये हमारा मसाला, हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, इन्हें हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे अनियन, अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, अब इसमें हम डालेंगे हींग। अब हम इस अनियन को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ आलू, मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में ही भुना हुआ बेसन। बेसन क्या करेगा, इसे एक थिक कंसिस्टेंसी देगा, जो अनियन का मॉइस्चर था उसे ये बेसन सोख लेगा। इसे अब हम 1 से 2 मिनट तक के लिए मिक्स करते करते पकाएंगे। मसाला रेडी हो चुका है, अब इसे कूल डाउन होने के लिए रख देंगे, तब तक हम गूंध लेंगे कचौड़ी का आटा। हमने लिया है 300 ग्राम मैदा, इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, अजवाइन और 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे घी और इसे हम ऐसे मिक्स करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच और घी डालेंगे। घी डालने से क्या होता है कि ये सॉफ्ट और करारी बनती है। घी को अच्छी तरीके से आटे में मिक्स करने के बाद हम इसे मुट्ठी में ऐसे बना के देखेंगे, अगर ये ऐसे बन रहा है तो मतलब हमारा परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। अब हमने एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है, अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रेस्ट करने के लिए रखेंगे और उसके बाद हम कचौड़ियाँ बनाएंगे। अब मसाला ठंडा हो चुका है, अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। अब डो ने भी रेस्ट कर लिया है, अब हम एक और बार इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और जिस साइज की आपको कचौड़ियाँ चाहिए उस साइज का हम इसे डो को सेपरेट कर लेंगे। अब हम एक पेड़ा लेंगे, उसे किनारों से पतला कर लेंगे हम और इसमें हम एक ये मसाले का लड्डू ऐसे अंदर। ऐसे करके इसे बंद कर देंगे और इसे ऐसे दबा के हाथों से फैलाएंगे। इसे हम थोड़ा सा बेल के चौड़ा कर लेंगे। ये हमारी एक कचौड़ी रेडी। ऐसे ही हम दूसरे को भी कर लेंगे। अब टाइम है इन्हें डीप फ्राई करने का। अब हम कचौड़ियों को धीमी आंच पे डीप फ्राई करेंगे 10 से 15 मिनट तक या
कलर इनका गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हम इन कचौड़ियों को निकाल लेते हैं। अब हमारी कचौड़ियां है रेडी। अब हम खेलने वाले हैं होली इस प्लेट के साथ। सबसे पहले हम ये लेंगे कचौड़ी, देखिए सबसे पहले खेलेंगे हम हरे रंग के साथ, फिर पिंक के साथ और फिर ये ब्राउन के साथ। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।